डोंट डू दिस मिस्टेक वरना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो बहुत से लोग अच्छा डाइट लेते हैं, वर्कआउट करते हैं एंड सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, फिर भी उनका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उसके पीछे केवल एक रीज़न है, मास्टरबेशन। सो गाइस, जो मास्टरबेशन होता है वो आपके गोल्स को डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करता है, बट अगर आप इसे एक्सेस में करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, तब ही आपके गोल्स को अफेक्ट करता है। और गाइस, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि एक वीक में या एक मंथ में उन्हें कितना मास्टरबेशन करना चाहिए एंड इसका क्या सही लिमिट होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने डिटेल में एकदम अच्छे से समझाया है। और गाइस, मैंने उस वीडियो में भी यही बोला है एंड इस वीडियो में भी यही बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप मास्टरबेशन, पॉर्न, इन सारी चीज़ों से एकदम दूर रहें, क्योंकि इनसे आपको कोई भी खास बेनिफिट नहीं मिलती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जड़ से मास्टरबेशन एडिक्शन को एकदम हटा सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी फ्यूचर की कोई वीडियो मिस ना करें। ओके गाइस, तो देखिए, सबसे पहला स्टेप तो आपको ये लेना होगा कि डिलीट ऑल द स्टडी मटेरियल, क्योंकि गाइस जब आप इसे अपने मोबाइल में या लैपटॉप में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से एक्सेसिबल हो जाएगा। तो अगर आप कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं तो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उधर चल जाएगा। इसीलिए गाइस, आपको इन सारी चीज़ों को एकदम डिलीट कर देना होगा सो दैट यू कैन मेक इट हार्ड टू एक्सेस। ओके, सो अब स्टेप टू। सो स्टेप टू इज बी बिजी। गाइस, मैक्सिमम लोग मास्टरबेशन के एडिक्ट इसीलिए होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाली रहते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा लोनली रहते हैं, इसलिए वो पॉर्न और मास्टरबेशन के एडिक्ट हो जाते हैं। इसलिए गाइस, आपको कोशिश करना है कि आप हमेशा बिजी रहें, आप अपने काम करते रहें एंड फ्री टाइम में आप अपना मनपसंद कोई हॉबी कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट खेलना, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल या फिर डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, इस टाइप की कोई भी चीज़ों में आपको इंडल्ज रहना होगा। क्योंकि गाइस, मैं आपको एकदम पक्की बात बता दे रहा हूँ कि अगर आपको मास्टरबेशन एडिक्शन को हटाना है ना, तो आपको उसे किसी ऐसे चीज़ से रिप्लेस करना होगा जिसको कि करने में आपको उसी लेवल का एक्साइटमेंट, उसी लेवल की खुशी मिले। एंड इसी चीज़ को लेकर के मैंने एक कोट भी पढ़ा था, दैट यू आर नॉट हॉर्नी, यू आर लोनली। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं एंड आपके पास कोई हॉबी करने को भी नहीं है, तो उस केस में आप कोई मूवी देख सकते हैं, कोई एनिमे देख सकते हैं या वीडियो गेम खेल सकते हैं, बट मेक श्योर वो भी आप एक लिमिट में करें, ऐसा ना हो कि आप अब उसके एडिक्ट हो जाएं। ओके गाइस, सो नाउ थर्ड स्टेप। सो थर्ड स्टेप है कि एक्सरसाइज डेली। गाइस, जब आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, रोज़ वर्कआउट करेंगे, स्पेशली अगर आप कोई कार्डियो करेंगे जैसे कि रनिंग, स्किपिंग, तो उस केस में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाएगी, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करने का एकदम मन नहीं करेगा। ओके गाइस, सो नाउ स्टेप फोर। तो स्टेप फोर है कि मेडिटेट एंड फॉलो अ रूटीन। गाइस, अगर आप रोज़ मेडिटेशन करेंगे 5 से 10 मिनट सुबह सुबह, सो आपका माइंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा, आपका माइंड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो फिर आप फालतू की चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे। एंड उसी तरीके से अगर आप कोई रूटीन फॉलो करेंगे पूरे दिन का कि इस टाइम पे आपको ये करना है, इस टाइम पे आपको पढ़ाई करना है, इस टाइम पे आपको वर्कआउट करना है, सो आप उसी रूटीन के हिसाब से दिन भर में सारे काम करेंगे, तो आपका फालतू की चीज़ों पर ध्यान जाएगा ही नहीं। ओके गाइस, सो फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप इज़ कि डू नॉट इवन थिंक। गाइस, मास्टरबेशन एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसे थोड़ा सा भी दिमाग में सोच लेंगे ना, तो फिर वो आपका ब्रेन जो है वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा। वो आपको बोलेगा कि चलो बस थोड़ा मोड़ा देखते हैं, पर मैं मास्टरबेशन नहीं करूँगा। उसके बाद वो आपको बोलेगा कि चलो बस वीडियो देख लेता हूँ, मास्टरबेशन नहीं करूँगा। सो धीरे धीरे, स्लोली स्लोली आप उसमें घुसते चले जाएंगे एंड आपका अपने बॉडी पे से कंट्रोल एकदम हट जाएगा, जैसे कि मानो कि आपके ब्रेन को किसी ने हाईजैक कर लिया है एंड आप मास्टरबेशन कर बैठे। सो गाइस, इसीलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट इवन थिंक। एंड इसके लिए सबसे पहले वो क्या करना होगा कि आपको इंस्टा से, फेसबुक से मॉडल्स को अनफॉलो कर देना होगा, उन्हें ब्लॉक कर देना होगा एंड जो भी लोग फालतू का कंटेंट डालते हैं उन्हें एकदम हटा देना होगा, जिससे कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। एंड बाय चांस आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता भी है, तो उस समय आपको तुरंत थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर लेना चाहिए, या तो फिर आप तुरंत 20 पुशअप्स लगा सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड उन सारी चीज़ों से हट जाएगा। एंड गाइस, एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि मास्टरबेशन एडिक्शन एक दिन में तो नहीं जाने वाला, बट अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो ये एक दिन ज़रूर जाएगा। ऑल राइट गाइज, सो आई होप कि आपके लिए सारे टिप्स हेल्पफुल होंगी। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं एंड अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं फ्रॉम स्किनी टू फिट, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से आप अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।